Hey, what's up, fam? Back to the game. Hey, I'm Samal Beniwal, once again. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है मेरी MT15 में मैंने क्या-क्या मॉडिफाई करवा रखा है। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैंने मेरी बाइक में क्या-क्या लगवाया है और उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, खराब है, सस्ता है, महंगा है, सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आगे से। आगे का मैं पहले लुक दिखा देता हूँ आपको। देखो कितना शानदार लुक आ रहा है। इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफाई करा रखा है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये लगा रखी है विंगलेट, जो काफी सस्ती होती है। मैं हर एक चीज की रेट तो नहीं बताऊंगा, पर उसकी अमेजन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको भी ये चीज अच्छी लग रही है तो। मैंने यहाँ पे लगा रखी है विंगलेट रेड कलर की, काफी ज्यादा लुक को एनहेंस करती है। इसकी डेविल जो आईज है इसकी, ये वाली जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये रेड रेड जो रात को चमकता है, आय हाय मजा सा आ जाता है। और इसकी आईज में करा रखी है मैंने ये रेड रैपिंग, जिसमें मैंने ब्लैक कलर की आईज बना रखी है जो काफी डेविल लुक देती है। देखो ऑन करके दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा तो बाकी। सो ये हो गई अपनी आईज। और इसके जस्ट ऊपर मैंने लगवा रखा है ये स्मोक वाला वाइजर, लॉन्ग वाला है, इसके लिए नहीं बना, मतलब इसका दूसरा वाइजर आता है, उसके लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हर किसी में लग जाता है, आप NS में लगाना चाहो उसमें भी लग जाएगा, स्कूटी में लगाना चाहो उसमें भी लग जाएगा। तो इसमें मैंने दो बोल्ट यहाँ लगा रखे हैं और जो दो नीचे वाले बोल्ट है ये कुछ ज़्यादा लंबे थे तो मैंने लगाए नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा छेद करने पड़ेंगे अगर मेरे को दो और लगाने तो। बाकी ये भी अमेज़न पे अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो। और इसके अंदर मैंने लगा रखे हैं फ्लैशर, यहाँ पे मैंने आपका बटन लगा रखा है जिससे ये फ्लैशर ऑन हो जाते हैं। ये देखो 16 अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ये देखो जैसे ही बटन ऑन ऑफ करोगे वैसे ही पैटर्न चेंज होते दिखेगा आपको। तो ये भी काफ़ी चीप रेट में आपको मिल जाता है, अमेजन पे भी आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये आगे का पोर्शन हो गया, मैंने ये विंगलेट लगा रखी है, ये आइज मॉडिफाई करवा रखी है, इसमें हैज़ार्ड फ्लैशर लगा रखा है और ये अपनी लास्ट स्मोक। तो बस उसके बाद इस साइड आते हैं तो यहाँ पे साइड में मैंने लगा रखे रेड और ब्लैक में लीवर गार्ड, जो लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं उसको कहते हैं लीवर गार्ड। लीवर इस चीज़ को कहते हैं, ये जो होती है ये कई कई बार क्या होता है, बाइक जैसी गिरती है वैसे टूट जाते हैं ये, और उसके बाद बहुत मुश्किल आती है बाइक चलाने को अगर गियर या फिर क्लच टूट जाए तो। इसलिए मैंने इसके प्रोटेक्ट के लिए ये लगा रखा है। ये ना ही ज़्यादा सस्ता है ना ही ज़्यादा महंगा है और क्वालिटी भी वैसी है, सही बताऊँ तो ना ही ज़्यादा महंगी क्वालिटी है ना ही ज़्यादा सस्ती क्वालिटी है। हाँ मतलब ऐसा है कि एक दो बार बचा लेता अगर धीरे से अगर गिर रहे हो तो, पर धीरे से तो कौन गिरता है। हाँ ये प्रोडक्ट भी आप लगा सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम फ्रंट की साइड। थोड़ा सा इधर से दिखा लो। यहाँ पे मैंने लगा रखा है हैज़ार्ड का बटन ऑन ऑफ का, जिससे हैज़ार्ड ऑन ऑफ होता है। और उसके बाद स्क्रीन पे आते हैं तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक स्क्रीन टेम्पर, और उसको स्क्रीन गार्ड भी कह सकते हो, जो मेरे को ठीक रेट में पड़ा था, मतलब इससे अच्छा लेमिनेशन होता है। ये देखो ख़राब भी हो गया, बंद करके दिखाता हूँ, ख़राब भी हो गया। इससे अच्छा तो आप लेमिनेशन करा लो तो वही अच्छा है, बाकी थोड़े दिन तो मतलब थोड़े महीने चल जाता है, गर्मी और पानी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ये देख सकते हो आप। और उसके पास जस्ट मैंने ये लगा रखा है बोबो का फ़ोन होल्डर, जो काफ़ी हैवी क्वालिटी है, मतलब इतने दिन हो गए मेरे को यूज़ करते हुए एक भी शिकायत नहीं है इसकी। भले ही रेट इसकी 1200 हो, थोड़ा महंगा हो, पर एक नंबर चीज़ है, एक नंबर। ये हो गया अपने पूरे आगे आगे का। आप इस साइड नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे मैंने लगा रखा है ये फ्रेम स्लाइडर, जो पैसे में तो बहुत ज़्यादा सस्ता है और उससे सस्ती है इसकी क्वालिटी, क्योंकि ये देखो अंदर जंग तक आ चुका है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रखा है, बाकी मैंने ये हटा दिया था क्योंकि चलते चलते ये गिर गया था। कोई मतलब नहीं है इसका लगाने का, अगर आपको लगाना है तो मैं हैवी वाली की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो और अपनी बाइक में लगा सकते हो। बहुत इजी फिटिंग है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, लिंक नीचे उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, ये बोल्ट हटाना है और इतना वो आता है फिटिंग का, सीधा लगाना है और बोल्ट को टाइट कर देना है, बस इतनी सी फिटिंग है। इसको लगा देते हैं वापस और इसके बाद आ जाते हैं आगे की तरफ, नीचे की तरफ, थोड़ा सा इधर से आना। यहाँ पे मैंने लगा रखा है ये रेडिएटर गार्ड, जो रेड और ब्लैक में है, क्योंकि मैं बाइक की थीम पूरी रेड ब्लैक में दे रहा हूँ, इसलिए मैंने हर एक चीज़ रेड ब्लैक में लगा रखी है। ये रेडिएटर गार्ड
क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो ये रेडिएटर है ये फॉयल पेपर से भी पतले पेपर से बना होता है, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी पत्थर लगा छोटा सा भी तो वो टूट जाता है। सो इसलिए आपको ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 5 इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ आपको लगानी चाहिए। सबसे पहले इसका फ़ायदा भी बता दिया कि पत्थर वत्थर ना लगे, इसलिए रेडिएटर गार्ड लगते हैं। इससे भी बढ़िया बढ़िया आते हैं, अलग अलग टाइप में आते हैं, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं हर एक चीज़ की मतलब हर एक टाइप की नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं ऊपर, तो मैंने यहाँ पे टैंक पे करा रखा है लेमिनेशन, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो स्क्रैच बहुत ज़्यादा लगते हैं टैंक पे। टैंक बहुत बड़ी चीज़ होती है और छोटे से छोटे स्क्रैच भी दिखते हैं इस पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करा रखी लेमिनेशन। और यहाँ पे मैंने एक स्टिकर भी बना रखा है जिसकी कॉस्टिंग मेरे को टोटल पड़ी थी 450, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। वैसे हर एक जगह करवाना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि जहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ग्लॉसी दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको लेमिनेशन जरूर करवाना चाहिए। इसमें कुछ दिनों में मैं एक और मोड करवाने वाला हूँ, वो मोड आगे का ही होने वाला है, अभी नहीं बताऊँगा मैं मोड क्या होने वाला है। तो ये हो गया पूरा आगे का पार्ट, अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो मैंने पीछे क्या मोड करवा रखा है ये देखो, यहाँ तक ख़त्म हो गई है क्योंकि इसकी टेल टाइड इतनी लंबी आती है, तो मैंने टेल टाइड दूसरी चेंज करके, एकदम सस्ती सी है पर अच्छी है, पर इसमें एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। पहली बात तो एडवांटेज पे आ जाते हैं, तो लुक जो लगता है ना भाई खतरनाक। पीछे से एक बार टायर देखो, 140 सेक्शन का टायर है, बहुत ही काफ़ी मतलब बहुत तो नहीं चौड़ा लगता है ये, तो काफ़ी अच्छा लुक अट्रैक्टिव लुक आता है। और आगे से विंडशील्ड बड़ी है और पीछे से सीट इतनी छोटी है, तो काफ़ी मस्त लुक आता है दूर से देखने में, और चलती है तो भाई क्या गजब लगती है। तो इसलिए मैंने छोटी टेल टाइड लगा रखी है। अब ये कितने की पड़ी मेरे को, ये पड़ी मात्र 250 रुपये की, अमेज़न पे भी मिल जाएगी आपको, उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से अगर आपको भी मंगानी है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने बना रखी है कैसे इंस्टॉल करना है इसको, वहाँ पर जाकर आप चेक करके आप भी खुद घर पे लगा सकते हो इसको। और इसी टेल टाइड में मैंने एक और मॉड कर रखा है जो है ये लाइट का बैक लाइट, एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो नंबर प्लेट वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाती है, ये मैंने जो इसकी ओरिजिनल टेल टाइड आती है उसमें से लगाया था। इसके मैंने यहाँ पे NS के इंडिकेटर भी लगाए थे, पर चेंज करके दूसरे वाले इंडिकेटर लगाए हैं, वो है फ्रेम वाली बाइक के। ये देखे होंगे कि आपने कई फ्रेम बाइक्स में आगे लगे होते हैं, जैसे R15 निंजा और ये हो गई, इसमें ये वाले जो इंडिकेटर ये आगे लगे होते हैं, पर मैंने थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव इसको लुक देने के लिए पीछे से ये चीज़ यहाँ पे लगाई। कैसे लगाई इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। काफ़ी सुंदर लगते हैं, मतलब रात को इतने मस्त लगते हैं ना चमकते हुए। ये देखो एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको, मैं दिन में भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है और सस्ते क्या ही बताऊँ। अभी तक मेरे को इतने दिन हो गए लगाए हुए पर एक लाइट भी ख़राब नहीं हुई, बाकी जिस टाइम ख़राब हो गए तो उस टाइम बता दूंगा कि कितने चलते हैं। और इसी के बाद मैंने नीचे एक और मोड करवा रखा है, वो मोड है यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे द डार्क साइड ऑफ जापान लिखा रखा है, जो MT के साथ आता है, यामा MT-15 द डार्क साइड ऑफ जापान। सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है, आपको दिख रहा होगा। और इसके ऊपर ही मैंने रेड लाइट लगा रखी है जो काफ़ी ज़्यादा लुक एनहेंस करती है इसको रात को, ये जो डार्क साइड है इसको रात को चमचमा देती है ये रेड लाइट, तो इसलिए मैंने ऊपर रेड लाइट लगाई थी। हर एक चीज़ के मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो बना रखी है, तो भी कोई चीज़ लगानी है तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, हर एक चीज़ की वीडियो मिल जाएगी, कैसे लगाना है वो भी मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। सो ये हो गई पूरी मॉडिफिकेशन की मैंने क्या क्या करवा रखा है अपनी MT-15 में। आपको भी कोई मॉड अच्छा लग रहा हो तो आप भी अपनी MT-15 में करवा सकते हो। सो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे ज्यादा शानदार मोड कौन सा लगा MT-15 में। ई कलाकारों मिलो है तो आओ राजस्थान, ई कलाकारों मिलो है तो आओ राजस्थान, मिला थारो भाई अगली वीडियो में, जी का दिल में बस रहे हो पूरो हिंदुस्तान।